सारे लोग ना मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, चेक करो, सबको पता चल चुका है। भाई, मतलब भाई आप कौन है? अबे मेरे बेटे बेटी की शादी, आप कैसे आ गए यहां? इसको नीचे रखो। कौन हो भाई आप? वो अंकल से बात हो गई। अंकल क्या? अंकल से बात हो गई है, बोले बिरयानी खिलाएंगे। बिरयानी बिरयानी कोई नहीं मिलेगी आपको। हो कौन आप? कैसे आ गए हो आप? बताओ ना भाई कैसे आ गए हो? कौन हो? बाहर ही जा रहा हूं। हां बाहर जाओ भैया, बाहर जाओ। यार कोई जगह देख यार, वही नीचे से कमोड के अंदर से जगह देख, यहाँ से कोई जगह नहीं करनी। अभी ऊपर से भाईजान, भाईजान यार यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? अंदर फंस गए हम लोग, अंदर तीन चार लोग। बाहर निकालो यार हमें यहाँ से। आप अंदर किससे पूछ के आए हो? जी किससे पूछ के आए हो आप? इधर दावत चल रही है हमारी, आप ऐसे घुस गए, ये कोई इंसानियत है आप लोगों की यार? चलें। अबे ये सारे बच्चे हैं ना, सारे इन्होंने करवा दिया। थोड़ी होता है, कौन सा बच्चा आपका जानने वाला है? ये सारे ये बच्चा जानता है, फैन है मेरा, ये फैन है। कौन? आज आपके भाई के दिमाग में एक और कोई खुराफाती आइडिया आ रहा है, मतलब ऐसा आइडिया कि तुम लोग सुन के पागल हो जाओगे। भाई सीन ये, हम लोग अभी एक शूट पे थे और शूट के बाद ना हम लोग को बहुत टाइट वाली भूख लगती है, क्योंकि शूट में हमें खाने पीने का एहसास नहीं होता। तो अभी जब हम लोग ने अपनी जेबें चेक की ना, तो भाई आपके भाई की जेब में तो ये चेक करो सिर्फ 10 रुपए पड़े। उसामा भाई तुम्हारी जेब में कितने पैसे? ये नसवार है और ये 50 रुपए। अबे यार मतलब हमारे पास टोटल 60 रुपए। अब 60 रुपए में कैसे खाना मिलेगा यार? तो भाई टेंशन की बात नहीं है, आपके भाई के दिमाग में कोई शैतानी और खुराफाती आइडिया है। भाई सीन ये है, हम लोग तो घुसते हैं शादी में, वो भी मुफ्ते में। आपका भाई तो बहुत बार शादी में घुस चुका है, लेकिन उसामा भाई का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम घुसने वाले। उसामा भाई डर लग रहा है? नहीं क्यों डर लग रहा यार, वैसे ऐसा मजा आता है ना, मतलब शादी में घुसो, अंदर बिरयानी, कौरमे, खीर, जो खाना खाओ और वो भी मुफ्ते में। मैं वही कोट पैंट पहनूंगा अपनी शादी वाला। अबे यार कोट पैंट छोड़ो, घर पे जाना पड़ेगा, एक काम करते हैं टी शर्ट में घुसते हैं यार। अबे क्या बोल रहे हो, ऐसे तो हर कोई पहचान जाएगा हमें। अरे तो खैर है ना, कुछ नहीं होगा, अभी देर हो जाएगी वरना। मिश्कात भाई चंदे की मार पड़ेगी और मेरी वहाँ पे प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ फैन भी तो होंगी। सामा बात सुन, देख 9 बज चुके हैं, अभी अगर हम लोग घर जाएंगे ना बहुत लंबी हो जाएगी, एक काम करते हैं डायरेक्ट शादी हॉल में घुसते हैं यार, अल्लाह खैर करेगा। यार आज ना आपके भाई को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आज जो है ना आपका भाई तैयार होके नहीं जा रहा। ये चेक करो, हम लोग ना नॉर्मल जो शर्ट पहने हुए ना वही पहने हुए, मतलब आपके भाई ने क्रीम तक नहीं लगाई। उसामा भाई भी ऐसी है यार, अभी उसामा कुछ पहन तो लेते यार, वेस्टकोट वगैरह। यार दांतों में से भी बदबू आ रही है। आई हाई, तुम्हारी तो हर जगह से बदबू आती है यार। यार दांतों का तो पता, और कहाँ कहाँ सूंघा है आपने? अरे भाई साहब फाइनली आपके भाई को खतरनाक वाला बैंकेट दिख गया भाई। यार उसामा भाई बैंकेट तो टाइट है, लेकिन जो है ना गार्ड वार्ड खड़े हुए खतरनाक वाले गने लेके। अबे भाई मेरी तो फुल टाइट वाली फट रही है, क्योंकि जो है ना ये पूरी पट्टी में एक ही है। यार मसला ये ना, सोनू भाई भी हमारे साथ नहीं। सोनू भाई है शादी मुफ्ता एक्सपर्ट, यार वो साथ होते ना मतलब आपके भाई को दिल में धाड़स रहती है कि यार कोई टेंशन की बात नहीं होगी। यार आज ना बड़ा खतरनाक शादी मुफ्ता होने वाला है, क्योंकि आपका भाई ना बिल्कुल तैयार ही नहीं है। मतलब आपका भाई भी शर्ट पहना हुआ है, उसामा भाई भी शर्ट पहने हुए, और हमारा मुन्ना भी फुल चूड़ा चमार बन के आया है। मुन्ने डर लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा शादी मुफ्ता में सबसे खतरनाक सीन होता है की हमारे हाथ में ना मोबाइल होता है, सबको पता चल जाता है व्लॉग बना रहा है। एक काम करते हैं, हम ना व्लॉग मुन्ने को देते हैं। मुन्ने तुम ना शॉर्ट बनाना दूर से छुप के, ऐसे छुप छुप के बनाना, मतलब ऐसा नहीं कि सबके सामने। अपना एरिया नहीं है भाई, अगर अपना एरिया होता कवर कर लेते, पता नहीं कौन से चलते फिरते हॉल में लेकर आ गए हो यार, छोड़ दो यार। यार असल में बात ये ना पेट की सुननी पड़ेगी, और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। चलो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये हमने बैंकेट सेलेक्ट किया काफी देर देखने के बाद, यहाँ पर काफी ज्यादा बैंकेट है, लेकिन कोई हमें समझ नहीं आया। यहाँ से खाने की भी टाइट वाली खुशबू आ रही है अभी जो है ना। ओए 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 गार्ड देख रहे हैं हमें, गार्ड देख रहे हैं। अबे एक आइडिया है मेरे दिमाग में। एक चीख नहीं, उसामा पागल है, हल्का बोल। सुन तो लो, मैं एकदम फोन पे लगूंगा, जैसी गार्ड रोकेगा मैं बोलूंगा भाभी अंदर है, भाभी अंदर है, फौरन करके निकल जाएंगे। बस सही है, बहुत तेज हो रहा है भाई। ये है दीवान मैन सुवान, पता नहीं क्या नाम है इसका। खैर यही की इन्विटेशन है हमारी, और हम लोग जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंदर। हाँ बेगम इवेंट चल रहा है ना, इवेंट वो बुलाया। आपकी भाभी अंदर बैठी इंतजार कर रही है, ट्रैफिक में फंस गया था। यही की इन्विटेशन है ना, इसका नाम क्या है? दीवान कार्ड मोबाइल में, मोबाइल बंद हो गया। आप वाजिद भाई के, वाजिद भाई के गेस्ट हो ना? वाजिद भाई, जी जी वाजिद भाई, वाजिद भाई के गेस्ट हैं, वाजिद भाई के। चले
अभी अंकल कौन थे, इन्होंने बचा लिया, वाजिद भाई कौन है बे, हम तो जानते ही नहीं वाजिद भाई को। फाइनली हम लोग घुस चुके अंदर। भाई जान ये क्या चल रहा है, शादी चल रही है, वलीमा चल रहा है? शादी चल रही है। अच्छा अच्छा, असल में ना हम लोग मुफ्ते में घुसे ना, हमें बुलाया नहीं किसी ने, ऐसे ही घुस रहे हम लोग, सही है ना? मसला तो नहीं, खाना वाना खा ले, बस आप ना संभाल लेना, कोई मामला खराब हो ना, ये आपको पगड़ी की कसम आपकी। चलो भाई फाइनली हम लोग जा रहे हैं अंदर। किधर किधर जाना है, किधर जाना है यार? बैंकेट तो बहुत टाइट लग रहा है उस्ताद, माशाल्लाह। अबे तो सारे मौलवी बैठे हुए हैं, वो मिसकात भाई घूर रहा है। अबे वो सारे मौलवी हैं, सारे घूर रहे हैं, सारे घूर रहे हैं, सब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले अंकल भी घूर रहे हैं। ओए मोबाइल नीचे रखता हूँ, मोबाइल नीचे रखता हूँ। मुन्ना मोबाइल तू पकड़, मोबाइल तू पकड़, छप्पड़ में बना, छप्पड़ में बना शॉर्ट, छप्पड़ में बना, छप्पड़ में बना, बस सही सही। आ जा आ जा, यहाँ तो सारे तबलीगी जमात वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह। सारे मुझे लग रहा है डायरेक्ट तबलीग से इधर ही आ गए। हाँ बे चलो चलते रहो चलते। मुन्ना मोबाइल नीचे रख, पागल है पकड़े जाएंगे, मोबाइल नीचे रख। आएगा यार ये हमें, जगह देखो, जगह देखो सामा को, पूछा पे छुप के बैठते हैं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। ओए खाने की डिश से करीब बैठो, ठीक है? सेल्फ सर्विस है यहाँ पर, सेल्फ सर्विस है। अच्छा अच्छा सेल्फ सर्विस है। कैसे लग रहा है पहली बार शादी मुक्का मार भाई? मेरे को तो यकीन करो बहुत डर लग रहा है, मुश्किल में अगर पकड़ेगा तो। भाई सबसे मुश्किल मरहला पता क्या होता है? अंदर इंटर होने का। अब इंटर हो गए ना, अब लोग ना सारे अपने कामों में बिजी होंगे, कोई ना ज़्यादा ख्याल नहीं करेगा। अब ये चम्मच हाथ में और इससे खाना है, इसी से खाऊंगा मैं तो खाना। सही है लेकिन सब तैयार होकर आए हैं, हम दोनों अलग ही कार्टून लग रहे हैं। अबे खैर है, लोग वेटर ही समझ लेंगे यार हमें। मुन्ने तू शॉट आराम से बनाते रहे, सही है? बात सुन बात सुन, मुन्ने तू इधर बैठ, इधर बैठ, अलग से नजर आ रहा है वहाँ पर चूड़ा चमार मेला। अबे तू ना वहाँ अलग से मेला नजर आ रहा था ना, इधर बैठ आराम से, चम्मच हाथ में रख, जैसे ही खाना है फौरन निकालना है, सही है? वीआईपी सीन हो गया। वो सामने बंदा बैठा मुसलसल घूम रहा है, ये वाला बंदा। हाँ ये क्या है, शादी चल रही है, वलीमा चल रहा है? हाँ बाहर बंदे ने बताया शादी है। अच्छा अच्छा, हम तो खैर खाना वाना खाने आए हैं। अरे ये भी मुफ्ता ही लग रहा है, सही बोल रहे हैं यार, आप भी मुफ्ता मारने तो नहीं आए, आप भी खाना खाने आए हो? अच्छा अच्छा सही है सही है, हम दोनों भाई भाई हैं। अबे यार ये तो पूरा हॉल ही खाली पड़ा हुआ है, ये चेक करो, कोई भी नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, तो सिर्फ हम लोग ही बैठे हैं। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? अरे उस्ताद फैन आ गई, आप दुल्हन हो? हाँ अरे दुल्हन लग रही हो यार आप तो। अच्छा फैन हो, अच्छा आराम से बोलो, हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ मुफ्ता मारना है, शादी मुफ्ता ना, खाना जो हम खाते ना शादी में जाके, सही है ना? आराम से बोलना, किसी को बताना नहीं। आप किसकी तरफ से आई हैं? मैं मेरी खाला की बेटी। खाला की तरफ से शादी है आज वलीमा? शादी शादी है, डन हो गया शादी है, चलो सही है, बस सही है, बस खाला वाला को बताना नहीं, सही है? अरे अंकल ये कौन आ गए पीछे, कौन आ गए अंकल, घूर घूर के देख रहे हैं, अंकल कौन है भाई? वो काम वाम करते होंगे यहाँ पे। चलो शुक्र निकल गए। उस्ताद ये कौन आ गए? अबे वो आराम से बोलो, आराम से बोलो भाई, आराम से बोलो। पागल हो क्या, शादी मुफ्ता मारने थोड़ी आए, दुल्हन की तरफ से आए? शर्ट पहन कर तो आए, नंगे थोड़ी आए? अबे यार बात सुनो, आपस की बात है, तुम लोगों ने ब्लॉग देखे ना मेरे, शादी मुफ्ता वाला देखा है? बस शादी मुफ्ता मारने आए हो, चुप चुप खामोश 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 खामोश, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेन्यू क्या है? मेन्यू सरप्राइज है, बस सही है सही है, बस चुप से बताना नहीं किसी को, सही है? चलो ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अबे यार ये अंकल भी फैन आ गए, जल्दी ले लो, पता ना चले लोगों को। यार यार सीन ये है कि बच्चे ना बहुत ज्यादा काम खराब करते हैं, मतलब चारों तरफ से बच्चे आ रहे हैं ना, तो एक नोट होता है बंदा कि यार ये बंदा कौन है, क्यों आया? मैं आपको बोल रहा था ना मुंह छुपा के बैठो उधर, यार के बच्चे ने अपनी वालदा अल्लाह सबको बता दिया। अभी फिलहाल तो टॉयलेट में घुसो फटाफट। अरे भाई साहब ये मौलवी साहब घुसे, खाली कर लिया मौलवी साहब, पेट पेट खाली हो गया, समझ रहे हो? अबे यार ये कैसी शादी है, मतलब दूल्हा दुल्हन का स्टेज ही खाली है यार, एक काम करते ना हम लोग दूल्हा बन के बैठ जाते हैं। मैं दुल्हन बन जाती हूँ, आप दूल्हा बन जाओ। देख के देख के देखो, कोई देख डाले, वैसे सारे अपने लगे हुए अपने मस्त है। अबे उसामा ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, अबे ये कौन आ रहा है? अबे यार ये बच्चों ने फिर गड़बड़ कर दी, बच्चों को मैं मना कर रहा था, मैं मना कर रहा था। ये बच्चे जानते हैं मुझे, बच्चे जानते हैं, मिश्कात नाम है मेरा बच्चा, दूल्हा की तरफ से जी, दूल्हा की तरफ से, दूल्हा दूल्हा मेरा भांजा है। तुम लोग इधर, तुम लोग को मैं मना कर रहा हूँ, नहीं बताओ बड़ों को, तुम क्यों बड़ा? तो उनको बताओ ना मैं कौन हूँ, मैं बताओ यार। मिश्कात भाई मुझसे पूछ रहे हैं, आप बताएं आप कौन हैं? आप कौन हो भाई, बताओ ना कौन हो, कैसे आए हो यार? आप मेरी बात तो सुने, मेरी 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 बेगम है ना, उनकी दोस्त की शादी है, मेरी वाइफ है। अंकल हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, सच बता दूँ आपको, सच बुरा तो नहीं मानेंगे आप, हम लोग गुजर रहे थे, भूख लगी थी तो हमने कहा खाना खा लेते हैं। अबे तुम लोग पागल के बच्चे हो क्या, तुम्हें मना किया ना, मैंने नहीं बताओ बड़ों को जाके, यार हमारा सारा मामला खराब कर रहे हो। एक काम करो जाके बैठो, बात बताओ यहाँ दूल्हा दुल्हन क्यों नहीं बैठे हुए? आएंगे अभी आ रहे। अच्छा आ रहा है, दूल्हा अभी तक आया नहीं है? दुल्हन का पीछे दूल्हा का आगे, क्या चीज बेटा? ये बच्चे ना हमें मरवाएंगे, ये देखो सारे और बच्चे कच्चे आ गए, वो पीछे से भी झांक रहे हैं।
अबे इंसान के बच्चे बन जाओ, हमें मरवाओगे पिटवाओगे, आज तक शादी मुफ्त हमने सही मारे हैं। अबे हाँ सही है, बहुत प्यारे लग रहे हो भाई तुम, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, जा यार। अबे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इसके अंदर आओ इसके अंदर आओ इसके अंदर आओ इसके अंदर आओ। अबे मुन्ने घर आ पागल। अबे उस्ताद, अबे कुंडी नहीं है, कुंडी नहीं है यार, कुंडी है भाई। अब सीन ये है कि शादी में सबको पता चल चुका है कि हम लोग मुफ्ते में आए, मतलब बच्चों ने सारा काम खराब कर दिया। अबे तू क्या कमोड पे बैठा हुआ है यार, वो पोटी आ रही है। अबे पीछे में उबालो है भाई, चुछ चुछ बाड़ो। अबे अबे एक मिनट, कौन है यार? हम लोग बहुत ज्यादा गंदा फंस चुके हैं, बाहर सबको पता चल चुका है, चाचा को पता चल चुका है, हम लोग सारे भागकर वॉशरूम के अंदर आके बंद हो गए, और बाहर ना सारे लोग खड़े हैं, हमारा वेट कर रहे हैं कि हम लोग बाहर निकलें और ये हमें कूटे। अबे यार कोई जगह देख यार, ओए नीचे से कमोड के अंदर से जगह देख, यहाँ से कोई जगह निकल नहीं यार। अबे ऊपर से निकलते निकल सकते हैं आराम से। देख 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 बाहर क्या है, बाहर क्या है, पीछे तो किचन है, सब उधर भी खड़े थे। एक मिनट देखते देख, अरे भाई साहब यहाँ से तो निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्या करें? भाईजान भाईजान यार यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, फंस गया यार हम लोग, फंस गए अंदर, फंस गए हम लोग अंदर तीन चार लोग। हाँ बाहर निकालो यार हमें यहाँ से, ये रोड है क्या है बाहर? हाँ हम लोग घुसे थे असल में बगैर इन्विटेशन के ना, शादी में घुस गए थे, बाहर सब लोगों को पता चल गया कि हम लोग अंदर घुस गए, तो बाहर निकलने का रास्ता है यहाँ से भाईजान, बाहर निकलने का रास्ता है भाई। अबे यार उसामा कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा यार, क्या अबे आपको बात भी तो करनी नहीं आती ना, उनको बोलते यार कुछ मदद करो हमारे, आप ये बोलते गेट लॉक हो गया, आपने इनविटेशन का बता दिया। चाचा बाहर निकल सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे पाइप लगा हुआ, इसको कटवा दो यार। यार चाचा कुछ कर लो यार, बाहर से लॉक हो गया यार, प्लीज यार, माँ की दुआ लग जाएगी आपको किसी गरीब की। बहुत सारे लोग जमा हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो ये लोग भी अंदर आ जाए। मेरी फट रही है उसामा, कितने सारे लोग यार, मैं बोल रहा हूँ सोनू भाई को लाना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ सोनू भाई को लाना चाहिए था, एक्सपर्ट बंदे भाई हैं, हम लोग के बस की बात है ही नहीं शादी मुफ्त है। बात तो सही है बेटा, बाहर जा रहे हैं और पिटना है लोगों से और कोई हल नहीं है, सही बता रहा हूँ। पिट लेते हैं आप क्या करें, अल्लाह मालिक। मुन्ने तू तो कुछ बता यार, मैं घर जा रहा हूँ, इसकी इतनी फटी हुई है, दो वक्त की रोटी के चक्कर में यार सैलानी बैठ जाते, इससे अच्छा तो तुम यार। अबे सैलानी में कौरमा वर्मा कहाँ होता है यार, चर गए बाट रहा है वो तंदूरी और वो पता नहीं छोले की बिरयानी, जिस दिन मैं बैठा था यार बाहर से ना मुसलसल लोग गेट खटखटा रहे हैं। अबे रिश्ता तो खोलो नहीं यार, खुदा के वास्ते यहीं पे ठीक है, बाहर चंदे की मार मुन्ने को पहला भी मेरे मुन्ना आ गया। अबे नहीं रिश्ता तो नहीं, चल खोल खोल रिश्ता तो नहीं, मुन्ने खोल खोल, गुस्सा ठंडा हो जाएगा ये पिटेगा ना। हिम्मत कर हिम्मत कर, क्या लोग हैं बाहर? अबे ये चाचा को आप अंदर किससे पूछ के आए हो जी? किससे पूछ के आए हो आप, किसकी इजाजत से आए हो यार? ये जानते हैं सारे बच्चे, मैं जानते हैं कैसे अंदर घुस गए यार इस तरीके से। अच्छा आपने गलत किया, आप आ रहे हैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ पाकिस्तान, जो भी है यूट्यूबर है या कुछ भी है, आप हमारे प्रोग्राम में कैसे घुसे, बाहर है चले अंदर, लेडीज में ही हमारे मेहमान बैठे हुए सारे यार, ये कोई इंसान? इनको माशाल्लाह आपके बच्चे भी फैन होंगे। बच्चे कौन से बच्चे? बच्चे जानते हैं सारे, जिन्होंने आपको आके बताया ना, आप जानते हो इनको? जानते हो ना, आप जानते हो ना, आप कहाँ जानते हैं? चलो बाहर चलो। अच्छा अच्छा चलो भाई चलो, इधर दावत चल रही है हमारी, आप ऐसे घुस गए, ये कोई इंसानियत है आप लोगों की यार? अंकल देखें सारे बच्चे जानते हैं आपकी शादी के इवेंट के, सारे बच्चे मुझे जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप किस तरीके से अंदर आए, ये बुरी बात है किसी के प्रोग्राम में इस तरीके से आप जाते, चले जाए बाहर आप। अंकल नहीं नहीं बस सिर्फ बिरयानी खानी है, बिरयानी 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 कुछ भी नहीं है। अच्छी फैमिली में आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? क्या बदतमीजी की आपसे भाई? ठीक है यार भाई अंकल, के साथ कब से आप वॉशरूम में? क्या है ये, कौन है ये? आप थोड़ा ध्यान रखो, मुझे जानते हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर, आप जो भी यूट्यूबर है या जो भी है, जवान पूरे जोश मारता, आपकी दाढ़ी का ख्याल कर रहे हैं? कोई दाढ़ी का ख्याल नहीं है, आप चले आएंगे अभी, मैं आपके साथ दूसरे रवैये से पेश आऊंगा, अच्छी बात नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। क्या बदतमीजी की, कैसे चलो भाई को हाथ नहीं लगा, चलो अच्छा अच्छा बात चलो। अच्छा अच्छा अंकल बात यार, वो आता भाई कर रहा है ना, अब एक मिनट खामोश, तू क्यों गुस्सा कर रहा है? अब तो आ गए ना, मतलब नहीं, 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 गलत है, ये देखो ये सारे बंदे आ जाएंगे आपके ऊपर, फिर मुझे नहीं कहना आप गाना पुलिस बुला, पुलिस बुला, चुप कर जा तू, चुप कर जा तू, पुलिस बुला रहे हैं यार, वो आपको बार बार, चुप तो कर जा, चुप चुप कर जा, तू क्यों गुस्सा कर रहा है? एक तो हमने गलत किया, हमने गलत किया, आ जाए यार चले। अबे ये सारे बच्चे जो है ना, सारे इन्होंने करवा दिया, थोड़ी होता है, कौन सा बच्चा आपका जानने वाला है? ये सारे ये बच्चा जानता है, फैन है मेरा, ये फैन है यार। अंकल से ना काफी ज्यादा ऑफ दी कैमरा मामला सेट किए, अंकल फुल गुस्से में, आपके भाई ये बहुत ज्यादा फटी हुई है,
अंकल अब तो खाना वाना तो खाने देना भाई। फाइनली अंकल एग्री हो गए, अल्लाह का शुक्र है अंकल एग्री हो गए। अरे भाई साहब तुम लोग कितने बड़े गद्दार हो यार, कैसे गद्दार बच्चे यार। अब तो सारे हॉल वालों को पता चल चुका है हम लोग मुफ्ते में घुसे। अब तो खैर मसला नहीं है क्योंकि अंकल भी एग्री हो चुके हैं। अंकल को ना हमने ऑफ द कैमरा काफी ज्यादा मामला इनके सेट के, इनको सहलाया वहलाया आराम से ना, इनको प्यार मोहब्बत की, अब ये सेट हो चुके हैं माशाल्लाह से। आज जो शादी मुफ्त, अबे सेल्फी वेल्फी लेने आ गया तुम लोग, तुम लोगों ने उस वक्त मुझे गड़वा दिया। जाओ सबको कटाओ बेटा, किसी को सेल्फी नहीं दूंगा। अब हमें पहचान गए लोग, अब तो इनका बाप भी खाना खिलाएगा। जाओ आज मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा जलील हुआ हूँ यार, मतलब इतना जलील कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा बच्चे मेरा साथ देते थे और ये जो बच्चे है ना ये गद्दार है सारे के सारे, मतलब इन्होंने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, सारे के सारे चिपके हैं मुझसे आगे। सब इनको पता है मिशकात खान कौन है, व्लॉग व्लॉग बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा अच्छी बात है मिशकात खान की बेइज्जती हो रही है, होने दो। सही है बेटा, सही है सही है, देखूंगा मैं तुम लोगों को। वो देखो वहां से भी लोग देख रहे हैं सारे के सारे। वो चाचा भी पीछे ही खड़े हैं। चाचा पीछे खड़े हैं। चाचा को मैं पसंद आ गया मुझे लग रहा है। चलो यार खैर है, दे देते इनको यार। अब तो खैर टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि पूरे शादी हॉल को पता चल चुका है कि हम लोग मुफ्ते में घुसे। अंकल से हमने परमिशन भी ले ली, अब इंशाल्लाह सुकून से खाना खाएंगे, फुल बिरयानी बिरयानी फोड़ेंगे उस्ताद। सारे लोग ना मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, चेक करो सबको पता चल चुका है। भाई, मतलब भाई आप कौन है? कौन से बात हो गई अंकल से? नहीं तो अब किस अंकल से बात हो गई? शादी थोड़ी कर ली, किस अंकल से बात करके आया? आपकी शादी, आप दुलाए मेरे बेटे बेटी की शादी, आप कैसे आ गए यहां पर? देखो इसको नीचे रखो, कौन हो भाई आप? वो अंकल से बात हो गई, अंकल क्या है? अंकल से बात हो गई है, बोले बिरयानी खिलाएंगे। बिरयानी बिरयानी कोई नहीं मिलेगी आपको, हो कौन आप? बच्चे जानते हैं मुझे सब, ये देखिए बच्चे जानते, तो मैं तो नहीं जानता ना आपको यार। कैसे आ गए हो आप बताओ ना भाई, कैसे आ गए हो? कौन हो? बाहर ही जा रहा हूं। हाँ बाहर जाओ भैया, बाहर जाओ। अबे यार तुम सब बच्चों की वजह से बहुत मसला हो रहा है यार, सबको पता चल चुका है हम लोगों को किसी ने नहीं बुलाया शादी में यार। अबे तुम लोग क्यों मेरे आसपास घूम रहे हो यार? और लो सेल्फी है बच्चों के साथ। यार आज जो है ना शादी मुफ्ता में बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई है यार, मतलब ये बच्चों ने इतना काम खराब किया, ये जो है ना मतलब चारों तरफ से मेरे पास घुस गए। अब मैं मोबाइल साइड में रख रहा हूँ, मोबाइल बहुत छप्पड़ में रख रहा हूँ, और यहाँ बैठ के सिर्फ हम खाना खाएंगे, क्योंकि अंकल से बड़ी मुश्किल से हमने परमिशन ली है। अंकल ने कहा चुपके से बस खाना खा के निकलो। ये देखो अभी भी चारों तरफ से आ रहे हैं। अबे भाई खुदा के लिए तुम लोग चले जाओ यार, खुदा के लिए भाई आज मैं बहुत जलील हो गया यार। भाई अब जो है ना टाइट वाला रश हो चुका है, सारा का सारा हॉल खचाखच भर चुका है। सामो भाई कैसा लगा शादी मुफ्ता में आगे? भाई बड़ा खतरनाक है, मतलब मैं नहीं कर सकता, आईंदा मुझे नहीं लाना। अबे यार सोनू भाई इतने एक्सपर्ट थे ना इस चीज में, मतलब आगे बैठते थे कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल डर ही नहीं होता था उनके साथ। उनके बगैर ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी खतरा। वो जो है ना मुझे लग रहा है वो बचपन से शादी मुफ्ता मार मार के गुजारा कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। तो भाई फाइनली खाना आ चुका है, बिरयानी शिरयानी ये चेक करो, मतलब बोटी वोटी भी आपके भाई ने निकाल ली। उसामा मंड के निकालना है सही से खाना। सही मुफ्ते की शादी की ना मतलब बात ही अलग है, मतलब यार इस खाने में अलग ही टेस्ट होता है। बस फटाफट खाना खाते हैं, फोड़म फाड़ी करते हैं और रश खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है फटाफट। चलो भाई स्टार्ट करो, क्या बिरयानी है सही, जलील होने के बाद ये बिरयानी खाई आज। क्या डर लग रहा है खाते हुए कोई आ ना जाए यार। यार ये जो शादी की बिरयानी होती है ना मतलब इसका अलग ही टेस्ट होता है, इस जैसा टेस्ट ना मतलब कहीं भी नहीं आता यार। मैं मिश्कात भाई, हाँ टिक्के मिक्के तो सब उधर जा रहे हैं, मेहमानों के बाद अपने पास सिर्फ बिरयानी आई है यार। भाई अभी मुफ्ते में जो भी मिले ना गनीमत है, बस ये कोल्ड ड्रिंक तो इधर दो, पास तो करो, अकेले अकेले पी रहे हो तुम। इधर कोल्ड ड्रिंक रखो फटाफट, निकालो ना और कोल्ड ड्रिंक निकालो, मुन्ने निकाल, मुन्ने सही से खाना है। भाई साहब ये चेक करो, ये असल चीज आई है, फुल खतरनाक वाला मीठा सामा, फटाफट निकाले इससे पहले शॉर्ट हो जाए। अबे कौरमा भी आ गए, और ये निकालो पहले, ये निकालो। भाई शादी मुफ्ता का पहला उसूल ये है कि जो भी चीज़ आए ना मतलब मीठा आए ना तो मीठा आप पहले निकाल लो, क्योंकि मीठा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये उसामा भाई निकालना है फुल, भाई आपके भाई के लिए भी निकालना फुल काजू। ओए होए 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 होए, चेक करो उस्ताद फुल, अंदर से भी निकालो ना, सिर्फ काजू थोड़ी खाएंगे, सिर्फ काजू, ये गरम बहुत ताकतवर होते हैं सर्दियों में। भाई साहब टिक्के विक्के भी आ गए फुल खतरनाक वाले, मतलब आज तो फुल टाइट वाली अय्याशी हो गई यार। बिरयानी आपके भाई ने खत्म कर ली, अब आपका भाई टिक्का निकालेगा, ये है रान सामा, ये खा यार मीठे के साथ मिला के खा। अरे खा ले बड़ा, अबे अलग डिश बनेगी। भाई साहब चेक करो, पूरा का पूरा मीठा हमने कब्जा कर लिया, मतलब पूरा बाउल लेकर हम लोग सामने बैठ गए। अरे भाई साहब मुफ्ता मारो तो सही से मारो ना यार। सामा फटाफट खा, काजू भी खा। यार ये वाला निवाला चेक करो आप, ये चेक कर रहे हो फुल लेवल का, मजा आ गया यार। अरे भाई साहब उसामा भाई पान भी आ गए माशाल्लाह। अरे भाई उठाओ उठाओ फटाफट उठाओ, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह फुल मीठे वाले पान, मुन्ने फटाफट उठाओ, ये बात मतलब फुल मजे होगा यार आज तो। अंकल पान खाएंगे, ले ले अंकल पान ले, हमारे साथ रहेंगे मजे करेंगे। आज मजा आ गया, मतलब